साथ आज चौधरी छतर सिंह भड़ाना जी हैं, आप देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से 25-30 साल पहले तक भी खानों में काम किया है। ये पाली के और यहीं के बाशिंदे हैं और ये समझते हैं कि जो अनंगपुर में, पाली में, मांगर में जो खाने हैं वो कैसे खाने हैं, वो क्यों बनी थी और उनमें जो पानी आज भरा हुआ है वो पानी कहाँ का पानी है। कुछ अफसर, कुछ सरकारी लोग ये बोल रहे हैं कि ये बारिश का पानी है और इसमें जमीन का पानी नहीं है, तो उसकी सच्चाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। छतर सिंह जी, आप बताइए कैसा, कहाँ का पानी है, वो कैसे कैसे काम होता था, आपने जो अभी बताया कि कैसे कैसे काम होता था, आप प्लीज बताइए। ये सेठ एक लीज होल्डर था, वो जो है नीचे से पानी निकाला है, बड़े बड़े दो जनरेटर है और 4-4 इंच का वो लगा रखे बोरिश ने, पहले पानी निकाला है फिर बदरपुर निकाला है। ये जमीन का पानी है, न कि बारिश का पानी है। तो ट्यूबवेल आप बता रहे थे, ट्यूबवेल लगे हुए हैं इसमें नीचे? 24 घंटे चलते थे उसके। कितने? 2 ट्यूबवेल। अच्छा, और कैसे कैसे पानी निकालते थे, कहाँ पानी डालते थे? वो पानी इसमें बढ़कर झील में जाता था रोड के साथ साथ, रोड पे डाल दे और साइड में और वो बहकर बढ़कर झील ही जाता था पानी। अच्छा, तो लगभग लगभग एक दिन में कितना पानी निकालते होंगे वो? 24 घंटे चलता था, आप लगा लो कितना पानी निकलेगा 24 घंटे में। अगर 2 ट्यूबवेल चलेंगे 5-5 इंची के, तो 4-5 इंची के, 5-5 इंची जो पाइप जो उनका होता था, दो जनरेटर लग रहे, दो मोटर लग रही, तो 24 घंटे चलते थे वो ट्यूबवेल। जो पानी खत्म हो जावे तब बदरपुर निकालता था वो। तो वो पानी कहाँ से आता था? पानी जमीन का था वो, नहीं कि बारिश का। तो जमीन का पानी फिर जब वो जब खान जब बंद करी इन्होंने, सेठी ने, तो वो किस बेस पे बंद करी? आपने बताया कि वो पानी बहुत ज्यादा था उसमें, भूरे लाल कमेटी ने भी इसी वजह से, भूरे लाल कमेटी ने इसी बेस पे बंद किए थे। आप वाटर लेवल को डाउन कर रहे हो, इसलिए पानी के ऊपर ही खान बंद की थी। अच्छा, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पे ही खान है। हाँ, तो दिल्ली बॉर्डर पानी कम हो गया, तो पानी को तो ये वेस्टेज कर रहे हैं, जमीन से निकाल निकाल के बाहर डाल रहे हैं पानी को। ये एलिगेशन लगाया भूरेलाल ने। अच्छा, तभी ये जाके बैन लगा था इन पे, पानी के ऊपर बैन लगा मैन। तो ये तो आज जो इनमें पानी भरा हुआ है वो आप क्या समझते हो वो कैसा पानी है? वो नीचे जमीन का पानी है, ये खान जो सोतल होगी, जैसे नीचे सोत नहीं निकालता, कुआ खोदते हैं, वैसे कुआ टाइप खान होगी वो, बड़ी बड़ी एक तालाब है ये, तो नीचे से पानी निकलता था वो। तो अभी जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बारिश का पानी है, इसमें आपकी क्या? बारिश तो 80 के बाद हुई नहीं है, पानी कहाँ से आ गया? ये तो जमीन का पानी है सारा, और पानी भी ऐसा है इसमें आप मछली डालोगे तो मछली भी नहीं पैदा हो सकती, मर जाती है, क्योंकि एसिड है इसमें, ये नीचे का ही पानी है। अच्छा, ठीक है। पानी ऐसा तो नहीं है जी कि वो सारे जो पहाड़ में से पानी इकट्ठा होके उन खानों में इकट्ठा होता हो तब जाके भर गई हो? ऐसा तो कोई नाला ही नहीं है जो इन खानों में आता हो। हाँ, वो तो नीचे का ही पानी है, जमीन का ही, बारिश का पानी तो है ही नहीं वो। तो ऐसा आपने देखा होगा वहाँ पे जाके कि भाई वो खान हमारे सामने ही सेठी पानी निकालता था, नीचे का ही पानी है सारा। ठीक है, तो अभी उनमें ऐसा है कि मतलब कि जो नाले हैं, जो पहाड़ के नाले हैं, वो आके उनमें गिरते हो वो पानी? कोई नाला नहीं गिरता, वो तो नाले तो बहुत बैक साइड में है, बड़े बड़े नाले हैं जो गांव में आता था पानी। हाँ, का तो हमारा जो झरना है उसमें गिरता है नाला, वो गांव में होते हुए जंगल में जाता है पानी। तो इनमें आप कह रहे हो कि वो नाले का पानी आता ही नहीं है उसमें? नहीं, कोई नाले का पानी नहीं आता उन खानों में, जमीन का पानी है, जमीन का पानी है। चलो, धन्यवाद जी।